नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे देवी और आसुरी प्रकृति के विषय में। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 में इस विषय में जानकारी मिलती है। चलिए जानते हैं अध्याय 16 के श्लोकों का भावार्थ सरल शब्दों में। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, ज्ञान और योग में स्थिति, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायण, वेद अध्ययन, तपश्चर्या, सादगी, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, अनिंदा, जीव मात्र पर दया, निर्लोभ, कोमलता, लज्जा, निश्चय, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्षा से मुक्त, मान की इच्छा से मुक्त, यह सभी देवी प्रकृति वाले मनुष्य के लक्षण हैं। हे पार्थ, दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये सब आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य के लक्षण हैं। दिव्य गुण मुक्ति की तरफ ले जाते हैं और आसुरी गुण बंधन कारक होते हैं। हे अर्जुन, तू चिंता मत कर, क्योंकि तू दिव्य गुणों के साथ जन्मा है। इस लोक में जन्मे जीव इन दो प्रकृति के होते हैं। अब तुम आसुरी गुणों को विस्तार से सुनो। आसुरी गुण वाले जानते नहीं हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें पवित्रता नहीं होती, ना ही उचित आचरण या सत्य देखने को मिलता है। वे कहते हैं कि जगत असत्य है और कोई आधार नहीं है और कोई भगवान इसका चलाता नहीं है। सब कुछ नर मादा के संयोग से ही उत्पन्न हुआ है, इसके अलावा कोई कारण नहीं है। ऐसे निष्कर्षों का अनुसरण करने वाले अज्ञान और बुद्धिहीन ऐसे आसुरी लोग ऐसे कार्यों में रत रहते हैं जो जगत के लिए विनाशकारी होते हैं। दंभ और मद में लिप्त, कभी न पूरे होने वाली इच्छाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या वस्तु के साथ संसार में अपवित्र कर्म करते रहते हैं। वे ऐसा मानते हैं कि विषय भोग में तत्परता ही सुख है और इस तरह अंतकाल तक अनेकों चिंता से ग्रस्त रहते हैं। चिंता की जाल में बंधे रहकर, काम क्रोध में डूबे रहकर, अनैतिक साधनों द्वारा धन संग्रह करते हैं। आसुरी मनुष्य सोचते हैं, आज मैंने यह प्राप्त किया, अब मैं इस मनोरथ को प्राप्त करूंगा। आज इतना धन है, कल और ज्यादा हो जाएगा। वे सोचते हैं, वह मेरा शत्रु मेरे द्वारा मारा गया, दूसरे शत्रु को भी खत्म कर दूंगा। मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही बलवान और सुखी हूँ, मैं सबसे धनी हूँ और अन्य मेरे समान नहीं है। मैं यज्ञ करूँगा और दान देकर और आनंद प्राप्त करूँगा। इस प्रकार मोह में फंसे रहते हैं और इंद्रिय भोग में आसक्त बनकर नरक में गिरते हैं। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानकर अस्थिर धन और मद से युक्त होकर नाम मात्र के यज्ञों द्वारा, मनमानी भक्ति द्वारा, पाखंड से, शास्त्र विधि रहित पूजा करते हैं। अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध आदि से मोहित होकर प्रत्येक शरीर में स्थित परमात्मा की ईर्ष्या करते हैं और इस तरह मेरी निंदा करने वाले होते हैं। उन द्वेष करने वाले क्रूर और पापाचारी नराधमों को मैं विभिन्न आसुरी योनि में रखकर निरंतर भवसागर में डालता रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, ऐसे मनुष्य आसुरी योनि में बार बार जन्म लेकर कभी मुझ तक नहीं पहुँचते और अत्यंत नीच गति को प्राप्त होते हैं। यह नरक के तीन द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। इन तीनों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। जो मनुष्य इन तीनों से बचे रहते हैं, वे आत्मा के कल्याणकारी कार्य करते हैं, जिससे धीरे धीरे परम गति प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य शास्त्रों के आदेशों को न मानकर अपनी इच्छा अनुसार मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि प्राप्त करता है, न सुख और न ही परम गति प्राप्त करता है। इसीलिए मनुष्य को शास्त्र के नियमों से समझना चाहिए कि क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है, और इस तरह कर्म करना चाहिए। दोस्तों, ये थी जानकारी देवी और आसुरी प्रकृति के विषय में श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 के अनुसार। दोस्तों, यदि आपको यह हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।